देखिए, अगर माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं भारत देश में नहीं घट रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बयान हो नहीं सकता। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी का जिसने महीनों सालों दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई कर कर उस एक दिन की तैयारी करता है अपना भविष्य बनाने के लिए, उसका मन नहीं टूटता, वो इंसान टूट जाता। केवल मनोबल नहीं टूटता, उसका शरीर, मन, तन, धन। आज उस बच्चे को कितनी चोट पहुंची होगी माननीय मंत्री जी का वो बयान सुनकर। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई गिरफ्तारियां किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कौन से विषय का संज्ञान लेकर सरकार से रोज गंभीर सवाल पूछ रहा है? इस प्रकार के असंवेदनशील बयान देना मुझे लगता है कि उन बच्चों के, उन विद्यार्थियों के जिनके भविष्य पर पानी फेरने का सरकार ने काम किया, उनके जख्म को हरा करने है, उनके जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। इस बयान का हम खंडन करते हैं और खास तौर पे राज्यसभा में अपने वक्तव्य देते हुए मैंने और हमारी पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी से इस बात को कहा था कि इस देश में दो आईपीएल चल रहे हैं। एक होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो गेंद और बल्ले का खेल होता है, और दूसरा है इंडियन पेपर लीग, जिसके चलते पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा इस देश में राज्य का कोई पेपर हो या केंद्र स्तर का कोई पेपर हो, लगातार पेपर लीक होते गए आए हैं, जिससे लोगों का, बच्चों का और सच्चे ईमानदार मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इस सरकार को गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए और इस विषय को पहले स्वीकार करते हुए उसकी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के असंवेदनशील बयानों से बचना चाहिए।